आज की मेडिसिन है अम्ब्रा ग्रेसिया। तो अम्ब्रा ग्रेसिया का कॉमन नेम है अम्बर ग्रीस, और यह किस फैमिली से आता है, ये एक नोसोड है। दोस्तों, नोसोड का मतलब होता है कि किसी भी इल व्यक्ति, कोई भी बीमार व्यक्ति के किसी अफेक्टेड पार्ट से, डिजीज्ड पार्ट से अगर कोई भी सिक्रीशन को हम लोग कलेक्ट करके और उसका होम्योपैथिकली उसको पोटेंटाइज करते हैं, तो इस तरह की जो मेडिसिन बनती है उसे नोसोड कहते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कैसा है। फॉर चिल्ड्रेन स्पेशली यंग गर्ल हु आर एक्साइटेबल नर्वस एंड वीक, यह कहता है कि यह चिल्ड्रेन के लिए है, लेकिन स्पेशली यंग गर्ल के लिए, जो नौजवान लड़की है उसके लिए। और उस वो किस प्रकार की होगी, एक्साइटेबल होगी और नर्वस एंड वीक, अर्थात थोड़ी सी किसी बात में नर्वस हो जाना, और वीक फिजिकली मेंटली, बोथ वीक को यह लेके हम लोग चलेंगे। और तुनक मिजाजी, एक्साइटेबल यानी होता है तुनक मिजाजी। और ये ज़रूरी नहीं कि ये चाइल्ड और गर्ल में भी हो, गर्ल में ही हो, ये जनरल सिम्टम है, ये किसी भी पार्टिकुलर मेल फीमेल गर्ल बॉय इसमें पाया जा सकता है। बट ज़्यादातर केस जो है वो देखा गया है गर्ल में, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है। बट इसको दिमाग में ऐसा फिक्स नहीं करना है कि नहीं ये तो गर्ल में ही मिलेगा, चाइल्ड में ही ये सिम्टम मिलेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। नर्वस एफेक्शन ऑफ ओल्ड पीपल, नर्व बॉर्न आउट, बॉर्न आउट यानी होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ ऑर्डर, यानी नर्व जो है वह बिल्कुल क्या हो गए होंगे, शिथिल हो चुके होंगे, और ऐसा आपको ओल्ड पीपल में देखने को मिलेगा। लीन थीन इमिशिएटेड पर्सन हु टेक कोल्ड इजली, अब यह पतला दुबला आदमी हो सकता है, हो क्या सकता है, पतला दुबला होगा जो जिसे ठंडक जो है इजली लग जाती होगी। बहुत ही शॉर्ट छोटी मेडिसिन है दोस्तों, तो आइए इसका मेंटल जनरल देखते हैं। मानसिक सामान्य जो सिम्टम्स होंगे, ग्रेट सैडनेस, सिट्स फॉर डे वीपिंग, ये कह रहा है कि एक बहुत ही ज़्यादा दुखी व्यक्ति के तरह होगा यह, और यह जो व्यक्ति होगा यह दिन दिन भर बैठ के रोता हुआ आपको मिलेगा। आफ्टर बिजनेस एम्ब्रेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट यानी होता है परेशानी, झंझट, और उस झंझट से जो पैदा होती है घबराहट, तो ये किसी प्रकार का इसका जो काम है उस काम से यह जो है, अगर उसमें इसको परेशानी हुआ है, किसी प्रकार का अड़चन है, किसी प्रकार का झंझट हुआ है, तो उसके बाद इस तरह के सिम्टम उसमें अपीयर्स होंगे। अनएबल टू स्लीप, सो नहीं पाएगा, मस्ट गेट अप और बैठ जाएगा, ऐसा सिमिसिफ्यूगा और सीपिया में भी देखने को मिलता है। आइए इसके माउथ के सिम्टम को देखते हैं। रेनुला विथ फेटिड ब्रेथ, रेनुला बोलते हैं सिस्ट को, और सिस्ट कैसा होगा, यह जो सिस्ट कैसा होगा, सिस्ट जो जीभ होता है, जीभ के निचली जो परत होती है उसमें जो है सिस्ट हो जाएंगे, और वो क्या होंगे, वो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको
वाटरी कलेक्शन इस तरह का आपको उसमें नज़र आएगा स्वेलिंग के साथ। तो और साथ में किस तरह का होगा, फेटिड ब्रेथ, यानी कि दुर्गंध युक्त जो है उसकी सांसों में आपको उसके मुख से आने वाली सांस से दुर्गंध भी मिलेगा, ऐसा थूजा में भी पाया जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का क्या सिम्टम्स आएंगे इसको हम लोग देखते हैं। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन एब्डोमेन, इसको लगेगा जैसे पेट के अंदर, पेट में जो भी हमारा एब्डोमिनल एरिया है उसमें एक कोल्डनेस, ठंडापन महसूस होगा, ऐसा कैल्केरिया में भी पाया जाता है फ्रेंड्स। द प्रेजेंस ऑफ अदर्स इवन नर्स इज अनेबल ड्यूरिंग स्टूल, किसी भी अदर व्यक्ति के प्रेजेंस में यह स्टूल पास नहीं कर सकता है, इवन नर्स के भी प्रेजेंस में ऐसा नहीं कर सकता है, कोई भी जान पहचान का व्यक्ति हो फिर भी नहीं करेगा, ये इसका रेड लाइन सिम्टम है। फ्रीक्वेंट इनएफेक्चुअल डिजायर विच मेक्स हर एनसियस, लेकिन स्टूल का जो इसका डिजायर होगा वो फ्रीक्वेंटली होगा, बार बार होगा, और ये इसको, और ये स्टूल को डिस्चार्ज कर नहीं पाएगा, और ये इसके एक चिंता का कारण बना रहता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिम्टम देख लेते हैं। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स, अब जैसे पीरियड का 28 डेज प्लस माइनस 2 डेज रखते हैं हम लोग, तो इसमें जो है इस बीच में भी इसको, पीरियड्स के बीच में भी इसको डिस्चार्ज होगा ब्लड का, इरेगुलर पीरियड्स इसको कह सकते हैं आप, मासिक धर्म, मासिक स्राव, इरेगुलर मासिक स्राव। एट एवरी लिटिल एक्सीडेंट ए लॉन्ग वॉक आफ्टर एवरी हार्ड स्टूल, और ये एक और चीज़ से इफेक्टेड होगा, दूर चलना, एट एवरी लिटिल एक्सीडेंट ए लॉन्ग वॉक, थोड़ा सा भी दूर अगर इसको चलना हो पैदल तो इससे भी इसको ब्लड डिस्चार्ज हो सकता है, और आफ्टर एवरी हार्ड स्टूल, और आफ्टर एवरी हार्ड स्टूल यानी बहुत ही हार्ड यानी कठोर कड़ा अगर इसको स्टूल पास होता है, मल निकलता है, तो इससे भी इसको क्या होगा, ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, ये फीमेल्स के केस में। नेक्स्ट है लिकोरिया, लिकोरिया थिक ब्लूइश वाइट म्यूकस, अब इसमें आपको देखना होगा लिकोरिया जनरली वाइट हम लोग को देखने को मिलता है ट्रांसपेरेंट, बट इसमें कैसा होगा, थिक होगा काफ़ी, यह गाढ़ा होगा और साथ में ब्लूइश होगा, ब्लू कलर का, दैट मीन्स स्काई कलर का हो सकता है, या फिर ब्लू पेन का इंक जो हम लोग यूज करते हैं उस तरह का कलर लेकर के होगा, साथ में वाइट भी होगा, इसमें ब्लू और वाइट का मिक्स नज़र आपको आएगा, स्पेशली और ओनली एट नाइट। और ये लिकोरिया कब होगा, यह रात के समय में होगा, ऐसा कॉस्टिकम, मर्कसोल और नाइट्रिक एसिड में पाया जाता है। नेक्स्ट सिम्टम आता है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो इसमें बोलता है वायलेंट कफ इन स्पाजमोडिक पैरोक्सिज्म, अब इसका जो कफ होगा फ्रेंड्स वो कैसा होगा, वायलेंट होगा, बहुत ही तेज होगा, कफ यानी खांसी, अंग्रेज खांसी को कफ लिखते हैं, तो वायलेंट होगा खांसी इसका, बहुत तेज होगा, स्पाजमोडिक यानी एक, अब यहाँ स्पाजमोडिक का अर्थ समझ लीजिए कि स्पाजमोडिक जो होता है वो अचानक होता है, खांसी इसको होगी बहुत तेज होगी पर अचानक होगी और फिर रुक जाएगी, कंटिन्यूअस नहीं होता है स्पाजमोडिक, कंटिन्यूअस नहीं होता, अचानक होता है, तीव्र होगा और फिर रुक जाएगा, और
पैरोक्सिज्म यानी होता है कि एक रिपीटेशन के साथ, एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के साथ बार बार होगा, तेज होगा और अचानक से होगा विथ इरेक्टेशन। अब एक चीज़ इसमें देखने को मिलेगा कि इरेक्टेशन यानी होता है कि ढकार, मुंह से जो है ढकार निकलेगा उसका खांसी के साथ, एंड हॉर्सनेस। ऑफ कोर्स हॉर्सनेस हो जाएगा क्योंकि इतना ज़ोर से जब भी कोई खांसता है तो गला का फट जाना यह आम बात है। वर्स टॉकिंग एंड रीडिंग अलाउड, और ये चीज़ इसको आपको देखने को मिलेगा कि अगर इसका मरीज तेज़ी से किसी चीज़ को बोलता है या पढ़ता है तो उसके बाद इसको यह खांसी की जितनी भी सिम्टम है यह अपीयर होने लगता है। ऐसा ड्रोसेरा और फॉस्फोरस में भी देखने को मिलता है। इवनिंग विदाउट, मॉर्निंग विथ एक्सपेक्टोरेशन। इवनिंग में अगर इस तरह का होगा तो उसमें कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, वो सूखी खांसी होगा, लेकिन सुबह में क्या होगा कि उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। और ये सिम्टम जो है आपको हायोश्यामस में भी मिलता है, जिसमें इवनिंग में कुछ नहीं निकलता है और सुबह में निकलता है। हायोश्यामस का मरीज सोने के साथ ही खांसने लगता है। खैर, अभी हायोश्यामस पे हम लोग नहीं जाएंगे, अभी आते हैं पुनः अपने अम्ब्राग्रेसिया पर। हुपिंग कफ बट विदाउट क्रॉविंग इंस्पायरेशन। हुपिंग कफ को फ्रेंड्स काली खांसी कही जाती है, काली खांसी कहा जाता है। तो हुपिंग कफ का क्या सिम्टम हो सकता है? वही सिम्टम होगा जो ऊपर के लाइनों में दिया हुआ है। इस तरह के खांसी को ही हुपिंग कफ में कहा जाता है, बट विदाउट क्रोइंग इंस्पायरेशन। लेकिन इसमें जो है आपको सांस लेगा तो उसमें किसी तरह का आपको घड़घड़ाहट नहीं सुनाई देगा। क्रोइंग इंस्पायरेशन का मतलब वही होता है फ्रेंड्स कि जिसमें सांस लेने में एक घड़घड़ाहट सुनाई दे, कुछ नॉइज़ सुनाई दे, वैसा कुछ नहीं इसमें देखने को मिलेगा। मोडलिटीज़ देख लेते हैं। एग्रावेशन वार्म ड्रिंक से होगा, वार्म रूम, म्यूजिक, लाइंग डाउन, रीडिंग और टॉकिंग अलाउड, टॉकिंग लाउड, द प्रेजेंस ऑफ मेनी पीपल आफ्टर वॉकिंग। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि गर्म चीज़ पीने से गर्म रूम में, म्यूजिक से भी हो सकता है, लाइंग डाउन सोने पे, जो कि सोने पे इसको अपने बिजनेस के बारे में याद आता है तो वो बैठ जाता है, रीडिंग और टॉकिंग अलाउड तेज से पढ़ना बोलना, प्रेजेंस ऑफ मेनी पीपल्स जहाँ स्टूल पास नहीं कर पाता है, आफ्टर वॉकिंग लिकोरिया के केस में, एमिल्यूरेशन। एमिल्यूरेशन यानी होता है कि कैसे रोग के सिम्टम्स में ह्रास होगा, कमी आएगी आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद कोल्ड एयर, ठंडे हवा में, कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक से इसको आराम होगा, ठंडे खाना, ठंडा पेय से, राइजिंग फ्रॉम बेड, बेड से उठ जाने में। रिलेशन में देखते हैं, सिमिलर टू असाफोटिडा, सिमिसिफ्यूगा, कोका, इग्नेसिया, मॉस्कस फॉस्फोरस और वेलेरियाना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही शॉर्ट मेडिसिन था। तो फ्रेंड्स, वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए, आपके लाइक से वीडियो बनाने वाले को एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। वीडियो मेकिंग एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस है और काफ़ी मेहनत लगता है। आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और इंस्पायर होके और भी वीडियो बनाने के लिए हम इंस्पायर्ड होते हैं। और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, क्योंकि ज्ञान जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। और कहा जाता है कि डॉक्टर को और वकील को जीवन भर पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ते रहिए जितना मौका मिले।
आँखों से पढ़ने का मौका मिले, कानों से सुन के पढ़ने का मौका मिले।